ये असली वाली तोप है अंकल, इसी में डाला जाता था गोला। मतलब यहाँ लिखवा कर आए हैं कि हमारी किस्मत खराब है, फूटी हुई है, कहीं भी जाओ बस पैसे वेस्ट होने और कुछ नहीं। सो गाइस, अनलकी डे वंस अगेन। आज है मंडे और मैं हूँ फिलहाल विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर, और यार अंदर में म्यूजियम है जो कि आज बंद है। फिलहाल अभी पार्क ही घूम रही हूँ। ये देखिए बेचारा मनुष्य दुखी हो गया क्योंकि आज हम लोग को म्यूजियम अंदर नहीं जाने मिलेगा। जितने भी अच्छी चीज़ें सारी अंदर पे ही हैं, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। हम लोग कब तक घूमेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा सा एरिया है, इसको ही एक्सप्लोर करेंगे। गार्डन का जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़ है। दिखाओ तो वो टिकट। ये देखिए टिकट इसके देखने के लिए। नहीं रे बहुत भारी है, नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ दिमाग लगा रहे हैं अलग अलग खुद पाते क्योंकि कुछ है नहीं, मतलब अंदर है जो सो है। हम लोग बस बाहर पार्क में राउंड मार मारी कर रहे हैं, और आप लोग देख रहे हो हम लोग हाफ कपड़ा पहन के रखे दिसंबर के महीने में। मतलब इतनी ठंड होनी चाहिए जहाँ बाकी एरियाज में, यहाँ मस्त गर्मी है। तो मौसम अच्छा है, सुहाना टाइप आप कह सकते हो, ठंड नहीं लग रही। इतने सारे लोग आज म्यूजियम घूमने से वंचित रह गए हैं जिसमें हम लोग भी एक हैं। अरे मस्त दिख रहा है यार। आदित्य विल सिंग अ सॉन्ग। बड़ा 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 बेरे 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 बड़ा बड़ा बेरे बेरे। कौन भाषा है? भाषा का तो नहीं पता, लेकिन इसका मैंने अपना खुद का वर्जन बनाया। खाना खाना खाना, खाओ खाओ खाओ, खाना खाओ के पानी पियो और चुपचाप सो जाओ। अरे ये वाला शायद वो था, वो दुबई वाला जो सॉन्ग क्या होता है, जो भी था बस यही था। हम लोग ऐसे ही डेली लाइफ में पगलाते रहते हैं गाइस। जिसको डेली लाइफ देखना ना, देखो यही करते हैं इधर से। बस पगलाते रहो दिन भर, हम लोग की पगलपंती देखना है तो बस देखिए। लास्ट डे कोलकाता में, इसलिए सोचे कि थोड़ा घूम लेते हैं। हाँ क्योंकि यार विक्टोरिया नहीं घूमा तो फिर क्या घूमा, बट ऐसा घूमे हैं कि ये बंद मिला, अंदर नहीं घुस सकते। ऐसे अंदर रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं रहती है। ये पूरा पीछे वाला एरिया है। अब अच्छा सा सामने कर्जन जो थे उनकी स्टैचू है। हम बना रहे हैं तुम्हारा पलट, वैसे ही रहना, मेरे को पकड़ी तो आने दो। वो का पहले से ही दिख रहा है। तो अगल बगल घुमा के दिखा दो ना, पूरा ही दिख रहा था, हम क्या करें। अरे तो अगल बगल एरिया घुमा दो, पैनोरामा शॉट लेना नहीं चाहते? घंटा कुछ नहीं है। हाँ पीछे कुछ है ही नहीं है, कौन क्यों दिखाएंगे रे। अभी जा रही हूँ आगे वहाँ तोप देखने के लिए। पता नहीं एंट्री अलाउड है या नहीं, बट जा रहे हैं, जाना तो बनता है। ये असली वाली तोप है अंकल। ये देखिए यहाँ है तोप देखने। इसी में डाला जाता था गोला। पीतल की नहीं, यहाँ देखिए मार्क भी है भाई, पता नहीं क्या चीज का है। पीतल तो नहीं लग रहा है, पीतल अट पीतल। यहाँ लिखा हुआ है वी और आर विक्टोरिया, और ये उनका मुकुट विक्टोरिया। काश खुला रहता ये गेट, हम लोग जा पाते अंदर। बैड लक एज ऑलवेज, इसी तरह हुआ था। जू जब आने की कोशिश किए थे तो हमें पता रहता है कि मंडे को बंद रहते हैं, बट मंडे के बजाय उन लोगों ने थर्सडे को बंद कर दिया जिस दिन हम लोग गए थे। मतलब यहाँ लिखवा कर आए हैं कि हमारी किस्मत खराब है, फूटी हुई है, कहीं भी जाओ बस पैसे वेस्ट होने और कुछ नहीं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कपल्स ही बैठे हैं।
एंट्री तो नहीं दिखाई थी, एग्जिट दिखाते हैं। इसके बगल में यहाँ पर टिकट घर है, यहीं से टिकट लिया था हमने। इस लेन में तो पूरे हर तरफ भेलपुरी भेलपुरी मिल रहा। हेलो, हाँ, हर तरफ सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं। और इस साइड है एमपी बिरला तारामंडल। ये देखिए शो के टाइमिंग ये है, पैसे लगते हैं 120 रुपए। 120 रुपए का टिकट लेके घुसे अंदर, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और एक बड़ा सा बीच में। इसी से शो होता है हर तरफ। हम लोगों ने बढ़िया वाला सीट लिया है, पीछे साइड वाला। अभी तो ऊपर का दिख रहा है, कुछ नहीं ऊपर। बेचारा का आज पहला एक्सपीरियंस है प्लानिटेरियम का, और मेरा 12 साल बाद का एक्सपीरियंस। पहली बार तो बहुत डर गई थी। पहला चीज़ क्योंकि अभी तो निकला हुआ है ना, तो हमारे में मतलब पटना वाले में बीच से ऐसे निकलता है अचानक से, तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो सुबह का टाइम 2 बजे था, 2:02 हो चुके हैं, 2:03 हो गया। आज देखिए हम लोग 7000 स्टेप्स चले हैं। Many minutes later. So, खत्म। सब लोगों का जाना चालू। अच्छा, अंदर में जो प्लानिटेरियम प्रोजेक्टर पहले ऐसा वाला था, ये है पूरा अंदर का माहौल। हाँ, अभी अभी जस्ट मैंने खिंचवाई है यहाँ पर फोटो, जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं। हाँ, तब आदित्य कैसा लगा? अब जा रहे हैं सैंड फॉल्स। क्या वो भैया? ओ अच्छा। अब जा रहे हैं चर्च, और टाइमिंग है ये। टिकट 20 रुपए लगे, 10-10 का एक टिकट पॉल कैथेड्रल चर्च के लिए। हम लोग जा रहे हैं अंदर। हाँ, तो फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड। अंदर से तो घूम कर आ गए, अंदर में पूरा बड़ा सा हॉल है, सब लोगों के बैठने की जगह है। अभी तो फिलहाल लग रहा था जैसे कि काफ़ी दिनों से बंद है ऐसा, लेकिन मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी थी, पूरा सुंदर सा है। अंदर आके घूम सकते हो। इस साइड में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे समझ ही नहीं आई कि थीम क्या है, बस बाकी यही है पूरा सराउंडिंग। इधर से एंट्री, उधर से एग्जिट है। हम कर फाइनली यहाँ से भी निकल रही हूँ। अंदर में आप कैंडल तो नहीं जला सकते, बट यहाँ पर दिया हुआ है एरिया कैंडल जलाने का, यहाँ आप प्रे कर सकते हो कैंडल जलाकर। Later that same evening. So guys, finally हमारा जो ये ट्रिप था कोलकाता का आज ख़त्म हो रहा है। सारा सामान लेकर के शॉपिंग वॉपिंग करके निकल रहे हैं यहाँ से। होटल हम लोगों ने छोड़ दिया है और हमारा अगला ट्रिप यहाँ से शुरू होगा। अभी ओला का वेट कर रहे हैं, आदित्य कर रहा है बुकिंग। नेक्स्ट कहाँ जाते हैं ये तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि काफ़ी खास जगह जा रहे हैं। और यार, ट्रेन जर्नी वगैरह मेरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नई आइडियाज़ है तो वो सारी दो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।